हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या। तो आज हम केक प्रीमिक्स से वैनिला केक कैसे बनाते हैं ये देखेंगे, और बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बनता है और आइसिंग करने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा के इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हम ऑयल और पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देख लेते हैं। तो केक आज हम कढ़ाई में करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें कढ़ाई को प्री हीट कर लेना होगा। तो कढ़ाई रखेंगे गैस पर और उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर एक स्टैंड या फिर कटोरी रखेंगे और कढ़ाई को ढक्कन से कवर करके हमें इसे 10 मिनट के लिए हाई हीट पर प्री हीट करना है। तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा 6.5 इंच का टीन है और इसे हम पहले ग्रीस कर लेंगे। तो बटर पेपर रखेंगे और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा डस्ट करके भी इसे तैयार कर सकते हो। बटर पेपर को तो ऑयल लगाएंगे ही, साथ में टीन के जो कॉर्नर्स है उसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर लगाने से केक ईजीली बाहर निकलता है। केक टीन को हमने रेडी करके रख लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये है वेनिला प्रीमिक्स, ये 1/2 किलो का है यानी कि 250 ग्राम का है और इसकी प्राइस है 50 रुपीज़, यानी कि मुझे ये मार्केट में 50 रुपीज़ का मिला है। आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो प्रीमिक्स में सारी चीज़ें ऑलरेडी डली हुई होती है, हमें इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय ऑयल और पानी के। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी वगैरह इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और 1/2 किलो प्रीमिक्स के लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल का यूज़ करेंगे। तो ये हम जो खाना बनाते वक्त ऑयल यूज़ करते हैं वही ऑयल लिया है मैंने। तो पहले इसे थोड़े से मिक्स कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसमें पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। पानी पहले हम थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। अब कट एंड फोल्ड मेथड का यूज़ करके हमें इसे मिक्स कर लेना है। जब हम पानी को इसमें मिलाएंगे तब हम कट एंड फोल्ड यूज़ करेंगे। इससे ना कोई लम्स नहीं रह जाते और केक फूलने में मदद होती है। तो आप भी कट एंड फोल्ड मेथड ज़रूर अपनाइए। तो बस ज़्यादा हमें इसे मिक्स नहीं करना है, एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने तक ही इसे मिक्स करेंगे। इस बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना ज़्यादा पतला, एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे। तो ये परफेक्ट बैटर अब बन चुका है। तो अब हम इसे केक टीन में ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने ग्रीस करके रखा था। इसमें ऑलरेडी वैनिला का एसेंस रहता ही है तो एसेंस वगैरह ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए हमने एक लम्स फ्री और बहुत ही स्मूथ बैटर बना लिया है। टीन में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसे कम से कम 4 से 5 बार टैप कर लेना होगा, यानी कि इसमें जो एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे और केक फूलने में मदद होगी। बैटर की जो सरफेस है उसे भी हम फ्लैट करेंगे यानी कि इवन बनाएंगे। और अब हम चलते हैं इसे बेक करने के लिए। तो ये हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है, तो बहुत ही केयरफुली से हम इसका जो ढक्कन है वो निकाल देंगे और केयरफुली से हमें इस टीन को कढ़ाई के अंदर रख देना है। अभी कढ़ाई और उसका ढक्कन बहुत ही गर्म होता है तो केयरफुली करिएगा। केक टीन अंदर रखने के बाद हमें इसे कवर कर लेना है और कुछ 40 से 45 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे बेक कर लेना है। तो बेकिंग के टाइम आपके बर्तन गैस पर डिपेंड होती है, तो आपका टाइम आगे पीछे रह सकता है। केक बेक हुआ है या नहीं ये आप 35 मिनट्स के बाद भी एक टूथपिक या फिर नाइफ डालकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट 45 मिनट्स के बाद केक बेक हो चुका है। तो मैंने टूथपिक डालकर देखा था तो ये बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। और एक बार इसके सेंटर में भी हम टूथपिक डालकर देख लेते हैं। 45 मिनट्स के बाद भी अगर आपका केक बेक नहीं हुआ तो इसे और 10 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं।
अब केक को मैंने पूरी तरह से ठंडा होने दिया है और ये जो आप देख रहे हैं वो इस वजह से है कि केक बेक होते टाइम जब राइज हो रहा था तो उसे प्रॉपर तरीके से राइज होने के लिए जगह नहीं मिली, यानी कि कढ़ाई और जो प्लेट की डिस्टेंस थी वो बहुत ही कम थी, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से बीच में से राइज नहीं हुआ। तो इसी वजह से टीन और प्लेट का जो डिस्टेंस रहता है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा रखिए। अब केक पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने इसे बाहर निकाल दिया है और इसका बटर पेपर भी रिमूव कर देंगे। केक को पहले पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए और फिर बाद में ही आप इसे डिमोल्ड कर सकते हैं। और अगर केक गर्म रहते ही आप इसे डिमोल्ड करना चाहोगे तो केक टूट भी सकता है। तो अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर आइसिंग करके इसे डेकोरेट कर सकते हो या फिर इसे ऐसे ही खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है और अंदर से परफेक्ट बेक भी हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। तो इस तरह से हम प्रीमिक्स का यूज़ करके आसान तरीके से घर में ही इतना बढ़िया केक बना सकते हैं। ना इसमें मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करने की झंझट और ना इसमें परफेक्ट मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत होती है। बस आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है कि कढ़ाई को आपने पहले प्री हीट कर लेना होगा, बैटर को आपने ज़्यादा फेंटना नहीं है और अगर आपका केक 45 मिनट्स में बेक नहीं हुआ तो आप इसे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं। तो प्रीमिक्स यूज़ करके आप वनीला केक ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।